स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारे साथ आज साउंड हीलिंग थेरेपी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरती सिन्हा। मैं उनसे भी परिचय आपका करवाऊंगी, पर इससे पहले हमारी पेश है खास रिपोर्ट। आधुनिक युग में जहां देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य पर भी काफी विपरीत असर पड़ता नजर आ रहा है। जहां हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं, तो वहीं नई नई बीमारियों ने भी अपना विकराल और खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जरूरत है किसी खास तरह के इलाज की, जिससे हमारे शरीर पर किसी तरह का कोई नुकसान न हो। एलोपैथिक दवाएं असरदायक तो होती है, लेकिन साथ ही साथ वो कई तरह से हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। ऐसे में हम ढूंढते हैं एक ऐसा सहारा जिससे हम हर तरह से सुरक्षित रहें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां अरेरा कॉलोनी में एक महिला चिकित्सक के द्वारा एक अच्छी पहल हुई है। डॉक्टर आरती सिन्हा, जो की साउंड हीलिंग थेरेपी के माध्यम से लोगों का इलाज करती है, इनका क्लिनिक सेंट्रल इंडिया का पहला साउंड हीलिंग क्लिनिक है। ये सेंट्रल इंडिया का पहला साउंड हीलिंग क्लिनिक है। ये साउंड हीलिंग इज द न्यूएस्ट थेरेपी, जिसमें हम लोग ध्वनि के माध्यम से ध्वनि का यूज करते हैं रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन के लिए, और इसके साथ ही अनेक बीमारियों की हीलिंग के लिए भी यूज करते हैं। साउंड हीलिंग के अलावा मैं यहाँ पर टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, चक्र बैलेंसिंग, लॉट्स ऑफ मेडिटेशन और चक्र अलाइनमेंट, ये सारे वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती हूँ। दांतों से बने एक बॉल में घर्षण के द्वारा विशेष तरह की ध्वनि निकाली जाती है। बॉल में होने वाले घर्षण से निकली ध्वनि तरंग को ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। जरिए इलाज किया जाता है, ऐसा इनका मानना है कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी सीवियर प्रॉब्लम के लिए इस पद्धति से बढ़िया ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उन्होंने मुझे एक साउंड थेरेपी दी, जो कि 45 मिनट्स की साउंड थेरेपी थी, जिससे मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग फील हुआ, जैसे कि डिवाइन फीलिंग आई मुझे, जो कि एक मंदिर में आती है, और एक ट्रांस, डीप ट्रांस की फीलिंग आई, जिससे मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील किया और मैं बिल्कुल ही, मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया और मैं यहाँ बार बार आना चाहूँ। थेरेपी की संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर आरती सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आरती न्यूज़ वर्ल्ड में। अब जैसा कि अभी हमारे दर्शकों ने देखा कि साउंड हीलिंग थेरेपी एक अच्छी पद्धति है इलाज के लिए, तो सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि साउंड हीलिंग है क्या। जी हाँ, मैं शुरू करती हूँ। साउंड हीलिंग वर्ड नया लगता है, और इसमें इस थेरेपी की खास बात ये है कि इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं होता। हम जिन भी चीज़ों का निदान करते हैं या जिन चीज़ों के लिए हीलिंग करते हैं, वो साउंड के ही माध्यम से करते हैं।
और ये साउंड विशेष आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं स्पेशल इक्विपमेंट के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये बोल्स हैं, अलग अलग तरह की बोल्स होती हैं और इनसे हम अलग अलग तरह की आवृत्तियों वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और यही ध्वनियाँ जो हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी बॉडी पर प्लेस की जाती है और इन्हीं को आपके शरीर तक पहुँचाया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये बोल जिनसे ये आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। काफी शार्प साउंड होता है। जी हाँ, कुछ बोल्स ऐसी होती हैं जिनमें साउंड होता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें वाइब्रेशंस होते हैं। दीज आर पर्टिकुलर वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस आप देख सकते हैं, अगर आप छुएंगे तो आप वाइब्रेशंस को महसूस भी कर सकेंगे। इन वाइब्रेशंस को हम लोग बॉडी में पहुंचाते हैं एंड इवेंचुअली इनसे जो आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं ये आवृत्तियाँ आपको एक विशेष मानसिक स्थिति में ले जाती हैं, विच इज कॉल्ड थीटा स्टेट ऑफ माइंड। इस स्टेट ऑफ माइंड में आप ऑटोमेटिकली डीप रिलैक्सेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं और ये रिलैक्सेशन इतना डीप होता है कि दिस इज द टाइम व्हेन हीलिंग टेक्स प्लेस। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं ना केवल वो दूर होती हैं बल्कि आप मानसिक रूप से भी बहुत तरोताजा महसूस करते हैं। जी, आपने बताया कि साउंड हीलिंग है क्या। इस दूसरा सवाल हमारा ये है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे इफेक्टिव होती है हमारे ह्यूमन बॉडी पर। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, साउंड थेरेपी हमें जरूर नया लगता है लेकिन हम अगर पुरातन समय से देखें तो साउंड का प्रयोग किसी ना किसी रूप से हमारे जीवन में जरूर हो रहा है। वो भले म्यूजिक के रूप में हो, आपने राग दीपक राग मल्हार सुना होगा जिससे बारिश हो जाती थी या दिए जल जाते थे। आपने मंदिरों की घंटियां सुनी होंगी, अजान के शब्द सुने होंगे। हर धर्म में किसी ना किसी तरह से साउंड का उपयोग होता है एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स हम लोग एबल हैं इस तरह की वोल्स प्रोड्यूस करने में जो पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेट करती हैं। और मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि ये कैसे काम करता है तो देखिए, हम सब का जीवन आजकल बहुत तनावपूर्ण है और तनाव ही जो है वो 70-80% जो बीमारियां हैं वो तनाव की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। अगर हम इस तनाव को ही खत्म कर दें तो आधी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। इनके लिए सबसे सरल सहज तरीका होता है मेडिटेशन। और हम सब मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है, अगर बहुत निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन का ही एक सहज सरल रेडी रेकनर है ये सिंगिंग बोल्स, तो ये शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इन बोल्स के माध्यम से विद इन 10-12 मिनट्स आप डीप मेडिटेशन में पहुँच जाते हैं और फिर आप लगभग 45 मिनट्स तक उस स्टेज में रहते हैं। और हम लोग ये बोल्स आपके शरीर के ऊपर आपके शरीर के चारों ओर रखते हैं, जो भी प्रॉब्लम एरिया है उसको ट्रीट करते हैं उसकी आवृत्ति के अनुसार। ये आवृत्तियां जो होती हैं ये चक्र के हिसाब से होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सपोज आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। देन वी हैव द बोल्स जो सभी चक्रा के लिए होती हैं। वी हैव स्पेशल बोल्स फॉर लिवर, थायराइड, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार एनर्जी को साउंड के रूप में उपयोग करते हैं और शरीर तक पहुंचाते हैं। अभी आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की। जी, अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ जैसे कुछ डिजीज होती हैं जैसे फाइब्रॉइड वगैरह आजकल आम हो गया है, मेनोपॉजल एज से पहले ही काफ़ी हैवी ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो इसके लिए क्या कोई इफेक्टिव है ये? बिल्कुल, किस तरह होता है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ डिजीजेस तो देखिए फिजिकल होती हैं जो हमें शारीरिक दिखती है, आपको दर्द है, तकलीफ है, और जब हम इलाज करते हैं या डॉक्टर्स भी हमें जो ट्रीटमेंट देते हैं तो वी आर बेसिकली सप्रेसिंग द सिम्टम्स। हम सिम्टम पे काम कर रहे हैं, वो क्यों उत्पन्न हुआ ये हमें पता नहीं होता। और मेडिटेशन इसका सरल सहज तरीका होता है क्योंकि मेडिटेशन इन बोन्स से लगातार ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है, ब्रेन वेव्स को ऑल्टर करती है और ये आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहाँ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। एंड द मोमेंट आपका हार्मोनल सिस्टम इफेक्टिव होता है और सही तरीके से सिक्रीशन से स्टार्ट होते हैं तो 90% हीलिंग अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। तो यस, इट इज वेरी इफेक्टिव ऑन ऑल दीज सिस्टम्स। इस टाइम कैंसर भयावह बीमारी है जो कि काफी देखने को सुनने को मिल रही है इस समय,
तो क्या इस पे किस तरह इफेक्टिव होती है? मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहूँगी कि कैंसर के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है, और इसमें मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगी डॉक्टर मिशेल गैनोर, हु वॉज एन ऑन्कोलॉजिस्ट इन US, उनको किसी ने ये बोल गिफ्ट की, एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उनको ये बोल गिफ्ट की थी, एंड व्हेन ही प्लेड दिस बोल ही वाज वेरी फैसिनेटेड, उनको बड़ी अच्छी आवाज लगी, बड़ा गहन शांति का अनुभव हुआ, और उन्होंने अपने सारे कैंसर पेशेंट्स पे इसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एंड इट वॉज सो मच सो कि इवेंचुअली डॉक्टर मिशेल गैनोर रोट अ बुक ऑन साउंड हीलिंग, और उनका काफी योगदान रहा कैंसर के प्रचार प्रसार के लिए सिंगिंग वर्ड्स को यूज करने में। मैंने बॉम्बे में एक संजीवनी करके एनजीओ है जो टाटा वालों के लिए काम करती है, उनके साथ कैंसर पेशेंट्स पे बहुत काम किया है। भोपाल में आई हैव वर्क्ड विद लॉट्स ऑफ पीपल विद ब्लड कैंसर। ये सब्स्टिट्यूट दवाइयों का तो नहीं है ये मैं जरूर कहूंगी, लेकिन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जो भी दर्द तकलीफ ट्रॉमा आपको होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, और बहुत विशेष रूप से ये उपयोगी है कैंसर के हीलिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम केमो वगैरह होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें तो काफी बहुत हद तक आराम मिलता है, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी, वो ज्यादा जरूरी है। जी हाँ। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो रखे हैं आपने बॉल्स रखे हुए हैं, ये क्या इनकी कोई संख्या होती है? जी हाँ। और किस मटेरियल के ये बने होते हैं? आपने जैसा बताया था पेशेंट के ऊपर रख के करते हैं, तो क्या वेट क्या होता होगा, कैसे सहन करते हैं पेशेंट? जी मैं आपको बताती हूँ, इन बोन्स को ये बहुत तरह की बोन्स होती है, हम लोगों के पास चक्र, जैसे कि आपको पहले भी मैंने मेंशन किया कि हम लोगों के शरीर में 7 चक्र होते हैं, और शरीर में क्या होता है 72% पानी होता है। साउंड जो होती है ये आपने क्लिपिंग्स में भी देखा, पानी में बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है, क्योंकि शरीर में 72% पानी है, और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी दिखाया था कि पानी में किस तरह की रेजोनेंसेस उत्पन्न होती हैं इनसे। तो जब हम ये शरीर पर रखते हैं और ये वाइब्रेशन पहुंचती हैं, तो दिस इज नॉट ऑन द फिजिकल लेवल, ये बहुत डीपेस्ट सेलुलर लेवल तक प्लाज्मा तक पहुँच जाता है, और इनकी संख्या 7 चक्रों के हिसाब से 7 बोन्स होती है। वी ऑल्सो हैव बोन्स फॉर लिवर, हम लोग वहाँ पर मेरे विजर ऑफ साउंड हीलिंग क्लिनिक में चक्रा रीड भी करते हैं, चक्रा रीडिंग से हमें आभास हो जाता है कि आपका कौन सा चक्र कमजोर है, किस चक्र को एनर्जी की आवश्यकता है, और बोन्स इतना वजन नहीं होता जो आपको बोझ महसूस हो, बेसिकली ये बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है जिसमें आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, और नॉर्मली इसके बाद जब लोग उठते हैं तो दे फील वेरी लाइट एंड रिलैक्स्ड। इतना समय लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, जी इस तरह के इफेक्टिव होते हैं इस तरह के चीजों पर? हम लोग इसको, ये अल्टरनेटिव हीलिंग है, दिस इज नॉट द मेन हीलिंग, ये दवाइयों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर हम इनका निरंतर उपयोग करते हैं, मैं शुरू में यही एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी दवाइयाँ लेते रहें, साथ में हीलिंग करते रहें, धीरे धीरे आप दवाइयों की मात्रा स्वयं के हिसाब से कम करते जाएं, हम लोग हीलिंग बढ़ाते जाते हैं, और सेशन जो होता है वो नॉर्मली 45 मिनट्स to 1 आवर का होता है, और पहला जैसे मैंने आपको बताया एक थीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है, जो ये बोन्स बहुत आसानी से हमें ले जाती है, विच इज डीप मेडिटेटिव स्टेट। ये बोन्स बनी होती है 7 धातुओं की, इनमें गोल्ड सिल्वर कॉपर टिन जिंक लेड सभी होता है, और ये जो आवृत्तियां होती हैं, ये जब आपको डिफरेंट टोन्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और इस पर्टिकुलर स्टेज में ले जाती है, तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। जैसा कि आपने बताया कि ये साउंड हीलिंग थेरेपी है, जी नाम से ही जाहिर है कि साउंड के थ्रू उसका जो भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट किया जाता जी। है, तो क्या इनके साथ आप किसी तरह की कोई मेडिसिन का एडवाइस करते हैं? नहीं, मैं मेडिसिन के बारे में कोई भी एडवाइस नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे और भी चीजों की जानकारी है, जैसे प्रिमोर्डियल मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, तो मैं इनको जरूर साथ में इंक्लूड करती हूँ चक्र के लिए, जहाँ हम लोग साउंड के लिए बोन्स यूज करते हैं, गोंग यूज करते हैं, एंड प्रिमोर्डियल मेडिटेशन के सिलेबल्स और स्वर, स्वरों के माध्यम से भी हम लोग हीलिंग अटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्वर होते हैं ये आपके पर्टिकुलर चक्र को एक्टिवेट करते हैं। जैसा हमने बोला, अगर रूट चक्रा में प्रॉब्लम है तो रूट का चक्रा का जो स्वर है उसका अगर हम लोग उच्चारण करें डीप ब्रीदिंग के साथ, तो वो भी इफेक्ट करता है। तो मैं साथ ही साथ कुछ सेल्फ हीलिंग के लिए टेक्निक्स भी बताती हूँ, जो आप अपने आप घर पर भी कर सकते हैं,
अलावा साउंड थेरेपी के जो मेरे क्लिनिक में ही होती है। इसके अलावा अभी क्लिप में आप हमने देखा कि कुछ स्टोन्स और पर्ल की मालाएं दिखाई दी हमें, कुछ तस्वीरें दिखाई दी, उनका क्या रिलेशन है साउंड हीलिंग से? ये सब हम लोगों की हीलिंग की मोडालिटीज हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, टेस्टेड हैं, प्रूवन हैं। मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट भी हूँ और चक्रा हीलिंग भी करती हूँ। आप जो चीज़ें यहाँ देख रहे हैं इनको हम लोग यूज़ करते हैं चक्रा के हिसाब से पर्टिकुलर बीमारियों के लिए, टू इनवाइट पर्टिकुलर एनर्जीज लाइफ में, अच्छी एनर्जी को लाने के लिए और पॉजिटिव वाइब्स के लिए। जैसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, एमेथिस्ट आप मान लें जो बैगनी रंग का होता है, दैट इज यूज फॉर माइग्रेन और स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसी तरह से अलग अलग स्टोन्स होते हैं जिनका कलर, रेजोनेंस और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको भी हम लोग हीलिंग मोडालिटीज के लिए यूज करते हैं। एंड वी ऑल्सो कीप देम एट आर प्लेस टू इनवाइट पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छा सा ऑरा उत्पन्न करने के लिए। एक सवाल अजीब सा है पर मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मोबाइल का इम्पैक्ट आज की समय में काफी देखने को मिल रहा है, तो क्या इसके लिए कुछ, इससे छुटकारा या कम, इसका जो चलन है या इसका यूज है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए क्या कुछ, कोई ऐसा साउंड है जिससे वो असर करे और ये चीजें हम कम यूज कर सके? नहीं, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। बीच में मेरे पास एक आए थे अपने बच्चे को लेके जो 14 इयर्स का बच्चा था, एंड ही वाज वेरी एडिक्टेड टू मोबाइल एंड ही इवन अटेम्प्टेड सुसाइड। इतना ज्यादा अगर उसे मोबाइल नहीं मिलता था तो वो एकदम पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता था। तो मैं बता रही हूँ कि इनको हम लोग डी एडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं, और आप कहीं देखें तो कहीं ना कहीं मोबाइल का उपयोग या वीडियो गेम्स का उपयोग या कंप्यूटर का उपयोग अपने अंदर के खालीपन को दूर करने के लिए आदमी करता है। अगर आप अंदर से, शरीर से स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, तो आप खुद ही जिंदगी में खुशियां ढूंढ लेते हैं। सो यस, साउंड हीलिंग इज इफेक्टिव फॉर दैट ऑल्सो। आई डू लॉट्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग, मेडिटेशन और साउंड हीलिंग, इन सब का कम्बाइंड इम्पैक्ट बहुत ब्यूटिफुल होता है। और आप डेफिनेटली इनके जो भी साइड इफेक्ट्स हैं ना केवल उनको दूर कर सकते हैं बल्कि अपनी मोबाइल की लत को भी जरूर कम कर सकते हैं। जी, चलते चलते वक्त की कमी है, चलते चलते एक आखिरी सवाल जी। जैसा कि आज की भाग दौड़ जिंदगी में महिला और पुरुष सभी काम कर रहे हैं, बच्चे हैं उनके पास वक्त नहीं है, महिलाओं के पास वक्त नहीं है, ऐसे में सबके अंदर एक चिड़चिड़ापन जी हाँ देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ कर सकते हैं इस चिड़चिड़ेपन को दूर करने? मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये बहुत ही कॉमन थिंग है। और एक चीज़ आपसे और बताना चाहूँगी कि हम सबको लगता है कि हमें हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग टर्म शायद मुझे लगता है अभी नया है इंडिया में लोगों के लिए, लोग बीमारी को रिलेट करते हैं हीलिंग से। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि हर स्वस्थ व्यक्ति के दिमाग में 52 to 60,000 थॉट्स रोज आते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग के बारे में कि जब 60,000 विचार आपके दिमाग में रोज आ रहे हैं तो हम कितना सारी अनवांटेड चीजें अपनी जिंदगी में इकट्ठा करते जा रहे हैं। वी नीड टू लेट देम गो। और उसके लिए अगर आप साउंड हीलिंग क्लिनिक में आते हैं, साउंड हीलिंग थेरेपी लेते हैं, तो आई एम श्योर इट वुड गो ऑफ। लेकिन अगर आप स्वयं घर पे भी करना चाहें तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप एक ओम का ही उच्चारण करें, कोई अच्छा म्यूजिक सुने या किसी अच्छे मंत्र का उच्चारण करें, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट साउंड थेरेपी ही है। जी, हर धर्म में ध्वनि को लेकर जी रीति रिवाज हैं, धार्मिक चीजें भी हैं जी हाँ। अगर ये अब प्रचलित हो चुकी हैं, इनको जैसा कि आपने बताया साउंड हीलिंग थेरेपी एक अच्छा माध्यम है जी, तो इसको मुझे लगता है कि ये काफी कारगर सिद्ध होगा हमारे दर्शकों के लिए। तो आपको इतनी रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर आरती सिन्हा, जिन्होंने की साउंड हीलिंग थेरेपी एक नई थेरेपी है जिसके द्वारा हम अपनी परेशानियों, अपनी सीवियर प्रॉब्लम, अपनी अलग अलग तरह की बीमारियों को किस तरह दूर कर सकते हैं। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें न्यूज वर्ल्ड।